मित्रों आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पेरोल अकाउंटिंग। व्हाट इज पेरोल अकाउंटिंग? मैं आज आपसे कंसेप्चुअल लेवल पे बात करने वाला हूँ। व्हाट इज पेरोल अकाउंटिंग ये जानने के पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारी एक फ्री लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अभी तक हमने 51 सेशंस कंप्लीट कर दिए हैं। आपके जैसे चाहने वालों की दुआ से और ऊपर वाले की दया से हम लगातार हर हफ्ते इस सीरीज को चला रहे हैं। इसका नाम है अकाउंटिंग फ्रेंड। तो अकाउंटिंग फ्रेंड ये वीकली लेक्चर सीरीज है। हर हफ्ते हमारे ये सेशंस होते हैं। 45 मिनट का हमारा सेशन होता है। ये लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है और लाइव ट्रेनिंग सेशन में आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रोफेशन। ये हमारी लेक्चर सीरीज दो टाइप के लोगों के लिए है। एक तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो कि अकाउंटेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर बिजनेस ओनर्स जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे स्टूडेंट हो, आप इस लेक्चर सीरीज का जरूर लाभ ले सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। ये लिंक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, accountingfriend.indradhanu.info। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आपको इसके बाद के सारे इवेंट्स के इनविटेशन आते रहेंगे। तो चलिए मित्रों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं पेरोल अकाउंटिंग के बारे में। अब ये पेरोल अकाउंटिंग में ऐसा क्या खास है जिसके बारे में हमें बात करना जरूरी है? पेरोल अकाउंटिंग बेसिकली इट इज अबाउट सैलरी कैलकुलेशन, सैलरी अकाउंटिंग। तो सैलरी अकाउंटिंग में क्या है? सैलरी तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। हम एक प्लेन सिंपल एंट्री करके सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आपने कैश में सैलरी दिया है तो, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर आप चेक से सैलरी दे रहे तो, चेक या फिर फंड ट्रांसफर। तो ये इतना आसान अकाउंटिंग हो सकता है, लेकिन कब? जब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है तब हो सकता है। 2, 4, 5 मैक्सिमम 7, 8, 9 नौ एम्प्लॉय तक आप ये कर सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद 10 अगर एम्प्लॉयज है आपके पास में तो आपको पीएफ अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर पीएफ अप्लीकेबल हो गया तो फिर ये इतना आसान अकाउंटिंग आपका नहीं रहेगा। ये इतना आसान अकाउंटिंग आपका तब हो सकता है जब आपके सैलरी में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, एक ही कंपोनेंट है सैलरी सिर्फ। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक इतना आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, 100, 200, 500, 1000 एम्प्लॉयज है आपके पास, तो ये इतना आसान काम आपका नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है मैं आपको बताता हूं। पेरोल अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ चीजें हम कंसेप्चुअल लेवल पे आज डिस्कस कर रहे हैं। पेरोल अकाउंटिंग में सबसे पहला होता है अटेंडेंस का कैप्चरिंग, एक होता है अटेंडेंस एंड लीव रिकॉर्ड्स। इसका एक्चुअली अकाउंटिंग से संबंध नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे ही सैलरी कैलकुलेट होती है। आपका अटेंडेंस कितना है, आपकी लीव कितनी है, इसके बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट होगी। तो पहला स्टेप आएगा अटेंडेंस एंड लीव, दूसरा इसमें स्टेप रहेगा सैलरी कैलकुलेशन, तीसरा स्टेप रहेगा इसमें सैलरी कैलकुलेशन के बाद सैलरी का पेमेंट, चौथा इसमें स्टेप रहेगा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस रिलेटिंग टू सैलरी, और पांचवा स्टेप इसमें रहने वाला है एडजस्टमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं भी होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी होगा। अब बेसिकली होता क्या है मालूम है क्या, कि अटेंडेंस मार्किंग जो है ये कहीं तो भी आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आएगा, वो आपके पेरोल सॉफ्टवेयर में आएगा। आपका लीव एप्लीकेशन सारे पेरोल सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होगे और इसका कंबाइंड रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे सैलरी प्रोसेस करेगा। सैलरी प्रोसेस मतलब कितनी पेड लीव्स है, कितनी लीव्स, कितनी छुट्टियों के पैसे काटने हैं, या फिर अटेंडेंस के हिसाब से अगर कुछ एडिशनल पैसा देना है, ओवरटाइम का पैसा देना है, या फिर कम अटेंडेंस होगा, या फिर लेट सीटिंग नहीं मतलब जल्दी कोई चला गया होगा उसका पैसा काटना है, ये सारी चीजों का कैलकुलेशन जो है होके सैलरी का प्रोसेसिंग होगा। सैलरी के प्रोसेसिंग में एडवांसेस दिए होंगे उसका एडजस्टमेंट करना, मतलब लोन दिया हमने तो लोन का डिडक्शन करना। हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयज को लोन दिया जाए और समझो किसी एम्प्लॉय को 1,00,000 रुपए का लोन दिया गया और एम्प्लॉय ने बोला कि हर महीने 10,000 रुपए मेरी सैलरी से काट दो, तो ये कैलकुलेशन भी सैलरी में आएगा। तो इस तरह का कैलकुलेशन करके सैलरी का प्रोसेसिंग होगा। ये सैलरी का प्रोसेसिंग होने के बाद हम सैलरी का पेमेंट करेंगे, हर एम्प्लॉय को पेमेंट होगा। जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
ये होने के बाद हमारा सैलरी का पेमेंट हो गया। इसके बाद स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस होगा, हमें पीएफ, हमें ईएसआईसी, हमें प्रोफेशन टैक्स, ये सब कुछ भरना पड़ेगा। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक कॉर्पोरेशन है जिसमें हम प्रीमियम भरते हैं, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद में प्रोफेशन टैक्स, ये और एक टैक्स है, और इसके जैसे कुछ और पेमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हम काट रहे हैं और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, एम्प्लॉय का इनकम टैक्स हमने काटा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है, तो ये सारा स्टैट्यूटरी पेमेंट्स होगा। उसके बाद रिटर्न फाइलिंग होगा, जैसे पीएफ का रिटर्न, ईएसआईसी का रिटर्न, पीटी का रिटर्न, ये सारे रिटर्न्स हम भरेंगे। और इसके बाद में सबसे आखिरी में जो है वो एम्प्लॉय को उसकी पे स्लिप दी जाएगी, और पे स्लिप दी जाएगी मतलब बहुत सारी जगह पे ये तो ऑटोमेटेड होता है, वेबसाइट पे ही पे स्लिप होती है, तो पे स्लिप आपको एम्प्लॉय को वहीं से डाउनलोड करना होता है, जहां पे ये ऑटोमेशन नहीं है वहां पे ईमेल करने का सिस्टम होता है कि ईमेल किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक ईमेल चला जाता है उसको एम्प्लॉयज को। तो ये इस तरह से पूरा पेरोल का सिस्टम होता है। अब हम इसमें अगर अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में एक आएगा सैलरी की एंट्री करना। तो सैलरी की एंट्री कैसे होगी, हमारी सैलरी की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, ये हम एंट्री करने वाले हैं। अब ये एंट्री मैं जितना आसानी से आपको बता रहा हूं उतनी आसानी से एंट्री नहीं होती है। उसका कारण यह होता है कि आपके सैलरी में एक ही कंपोनेंट नहीं होता है, सैलरी में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से, एक रहेगा बेसिक सैलरी, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, उसके बाद कन्वेयंस अलाउंस, उसके बाद हो सकता है एचआरए मतलब हाउस रेट अलाउंस, और इसके बाद और गांव भर के दुनिया भर के अलग अलग अलाउंसेस हो सकते हैं। कौन कौन से, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, तो ये अलग अलग टाइप के अलाउंसेस एम्प्लॉयज को दिए जा सकते हैं। इन सारी चीजों को हम कहते हैं अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज। पहला पार्ट हो गया अर्निंग, दूसरा पार्ट है डिडक्शंस। अर्निंग मतलब एम्प्लॉय को पैसा मिलने वाला है इसमें, और डिडक्शन मतलब एम्प्लॉय का पैसा कटने वाला है। तो डिडक्शन के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, डिडक्शन में बेसिकली दो टाइप के डिडक्शन रहेंगे, एक रहेगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन, दूसरा रहेगा नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी मतलब कायदा कहता है आपको कि ये पैसा काटना है इसलिए आप काट रहे हैं, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी। और दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब क्या, एम्प्लॉय ने लोन लिया है तो उसका हम पैसा काट रहे हैं। एक हमारे ऑफिस की ही एक सोसाइटी है, एम्प्लॉयज की सोसाइटी, वो एम्प्लॉयज की सोसाइटी में हर महीने एम्प्लॉय पैसा जमा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो पैसा सारे एम्प्लॉयज के काम में आ रहा है। तो ये हो गया नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो इस तरह के अलग अलग डिडक्शंस रहेंगे, स्टैट्यूटरी में रहेगा पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, पीटी मतलब प्रोफेशन टैक्स, और इनकम टैक्स। ये बेसिकली चार प्रकार के डिडक्शन स्टैट्यूटरी डिडक्शन में रहने वाले हैं। अब यहां पे एक चीज और रहेगी, वो है कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड एंड फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होता है, ये उसको मिलता नहीं है एम्प्लॉय को, लेकिन ये पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम से पीएफ कॉरपोरेशन में जमा करता है, ईएसआई कॉरपोरेशन में जमा करता है। और ये पैसा ईएसआई का तो खैर पैसा उसे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन पीएफ का पैसा उसे वापस मिलेगा। उसका एक लिमिट होता है, पीरियड होता है, वो पीरियड खत्म होने के बाद एम्प्लॉय को पैसा वापस मिलता है। तो मित्रों सैलरी अकाउंटिंग में इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए पेरोल अकाउंटिंग जो है ये पेरोल अकाउंटिंग बहुत खास विषय बन जाता है। आज के इस सेशन में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है व्हाट इज पेरोल अकाउंटिंग। तो ये पेरोल अकाउंटिंग अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने आपसे कहा था कि आप हमारे अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज अटेंड कीजिए। इसमें हमने इसके पहले भी पेरोल अकाउंटिंग के ऊपर सेशंस लिए थे, इसके बाद भी इसके सेशन होंगे, तो आप नीचे दिए लिंक पे जरूर रजिस्टर करें, और इसके बाद फिर आपको सारे हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के इनविटेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इसी तरह से खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।